गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने जो सीखा था वो सेल्स के बारे में, यानी ईएमएफ के बारे में, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, यानी विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध और विभवांतर के बारे में हमने वन बाय वन सीखा था। ठीक है, और इन तीनों में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में भी जाना था, जिसके बारे में अगर आपने पहले नहीं सीखा है तो उसको वहां से प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे कि जब हम सेल बहुत सारे सेलों को कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने पे क्या रिजल्ट हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, यानी उन सेलों को जब हम कंबाइन करते हैं तो कब हमें सेलों को सीरीज में कंबाइन करना चाहिए, कब हमें सेलों को पैरेलल में कंबाइन करना चाहिए। ठीक है, और यहीं पर हम ये भी जानेंगे कि जो हमारे घरों में सर्किट्स जो बनते हैं वो कब सीरीज वाले सेल लगे होते हैं और कब पैरेलल में लगे होते हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो ये जो पहला डेरिवेशन मैं बताने जा रहा हूं आपको, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स यानी सेलों का संयोजन, और इसमें पहला जो डेरिवेशन है वो है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने एन सेलों का लिया है जिसका ईएमएफ जो है वो है कैपिटल ई। ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो स्मॉल आर है। ठीक है, तो सबका ई और आर सबसे कितने सेल ले लिए मैंने, एन सेल ले लिए, और इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, अब इसमें नेट ईएमएफ निकाला, यानी पूरे सेल जितने भी सेल लगे हैं उन सबका नेट विद्युत वाहक बल जब हम निकालेंगे तो ई प्लस हमने लिख दिया। ठीक है, ऐसा हमने अब क्यों लिखा तो ये भी समझिए। ठीक है, जब भी कभी सेलों को हमें चेक करना है कि वो प्लस में जुड़ेंगे या माइनस में जुड़ेंगे तो सबसे बेहतर तरीका है कि हमें क्या करना है, सेल से करेंट को निकालनी है। ठीक है, सेल से करंट को, अगर करंट सबसे सेम डायरेक्शन में जा रही है तो वो क्या होंगे, प्लस में, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो तुरंत क्या हो जाएंगे, वो सेल माइनस में। जैसे कि सेल हमें करंट किससे निकलती है, सेल से प्लस से माइनस की होती है, यहां से प्लस से निकलेगी, यहां से प्लस से निकलेगी, यहां से प्लस से निकलेगी, सबसे सेम डायरेक्शन में निकलेगी, तो इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगी, सारी प्लस में, यानी ई प्लस ई प्लस ई प्लस सो ऑन कितने टाइम्स, एन टाइम्स, यानी ये कितना हो जाएगा, अब किसी भी नंबर को अगर हम 10 बार जोड़ते हैं, यानी 1 को हमने 10 बार जोड़ा तो ये कितना आएगा, 10 आएगा। उसी तरह से E को हमने N बार जोड़ा तो वो कितना हो जाएगा, N E हो जाएगा, मतलब जितने टाइम्स हमने जोड़ा उतने ही टाइम्स हमने लिख दिया। सेम वैसे ही नेट इंटरनल रेजिस्टेंस यानी नेट आंतरिक प्रतिरोध, इसको भी वैसे हम जोड़ेंगे, ये सारे किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में, यानी ये सीधा रास्ता मिल रहा है हमें, तो आर प्लस आर प्लस आर प्लस कितने बार, एन टाइम्स तक, यानी कितना हो जाएगा, एन आर। अब हमने पिछले डेरिवेशन में पढ़ा था कि आई E और R में क्या रिलेशन होता है, I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R, यानी E डैश अपॉन R डैश प्लस R। ठीक है, तो E डैश की जो वैल्यू आई हमारे पास, ये जो वैल्यू थी हमारे पास एन ई वो हमने पुट कर दी, और R डैश की वैल्यू कितनी आई थी, एन आर वो हमने पुट कर दी, तो ये हमारे पास एक वैल्यू हमें निकल कर आ गई, यानी I इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन आर प्लस कैपिटल R। अब यहां पे अब इतना फॉर्मूला प्रूफ करने के बाद हमारे पास दो कंडीशंस हो जाती हैं। ठीक है, एक सर्किट हमारे पास वो होता है जहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि हमारे कार वगैरह की अगर हम बात करें, जो हम लोग कार डेली यूज में देखते हैं, उनमें क्या होता है, एक्सटर्नल बहुत सारे अप्लायंसेस जुड़े होते हैं, एसी चल रही है, बहुत सारे सर्किट जुड़े हुए हैं, बहुत सारी चीजें, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा होती है। और दूसरा, एक हम टॉर्च की बात करें, जो घरों में हमारे टॉर्च यूज होती है, उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, एक छोटा सा बल्ब जुड़ा होता है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, उसमें बड़े बड़े दो सेल लगाते हैं एक टॉर्च को जलाने के लिए। ठीक है, ताकि हमें क्या करते हैं, वहां पे हमने बड़े बड़े सेल लगाए, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या कर दिया, बहुत ही कम कर दिया। तो पहली कंडीशन वही है कि जब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो, हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा हो। ठीक है, तो बहुत ज्यादा होगा तो उस केस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम क्या मान लेंगे, लगभग नेग्लिजिबल। तो उस केस में आर को जब हम हटाएंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें, एनई अपॉन एन आर, और ये सॉल्व होने के बाद कितना मिला हमें, कैपिटल ई अपॉन आर। और अगर हम इस ये पूरे सेल ना मिलकर अगर केवल एक सेल लगाते तो हमें क्या मिलता, तो एक सेल में भी हमें उतनी ही करंट मिलती जितनी हमने एन सेलें लगाई उतनी करंट मिली। ठीक है, तो क्या हमें इस तरह का लगाने का कोई प्रॉफिट मिला, तो आंसर है नहीं। ठीक है,
ठीक है हमें, तो अब हमें ध्यान क्या रखना है कि जब भी हमें इंटरनल, जब भी हमें बहुत सारे सेल्स को सीरीज में लगाना है तो वो तभी लगाना है जब हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल से अगर कम है, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस सॉरी एक्सटर्नल से अगर बहुत ज्यादा है तो उस केस में कभी भी हमें उसे सीरीज में नहीं लगाना, ठीक है, सीरीज में नहीं लगाना। अब देखते हैं अगला केस कि जब ये इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्सटर्नल से बहुत कम हो तो क्या होता है, तो उसको देख लेते हैं। हाँ, तो देखिए जब इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्सटर्नल से बहुत कम होगी तो जो वैल्यू बहुत ज्यादा कम है वो क्या हो जाएगा, अब यहां पे स्मॉल आर बहुत कम वैल्यू है तो वो क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल के बराबर। तो इस फॉर्मूले को अगर हम देखें तो ये फॉर्मूला था हमारे पास आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, तो एन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी पूरी जीरो, मतलब अब यहां पे करंट की वैल्यू जो मिल गई हमें एन ई अपॉन कैपिटल आर, ये हमें वैल्यू मिल गई। एक सेल में हम करंट की बात करें तो एक सेल में अगर हम करंट की बात करते हैं तो एक सेल में जो हमारे पास करंट हो जाती है वो कितनी हो जाती है, कैपिटल ई अपॉन में कैपिटल आर, स्मॉल आर क्यों नहीं ले रहे क्योंकि वो तो लगभग नेग्लिजिबल है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो एन सेलों की जो करंट है वो एक सेल की करंट से कितने गुना है, एन गुना ज्यादा हो जा रही है, ठीक है। तो यहां पे हमें फायदा मिल रहा है कि करंट की वैल्यू क्या हो जा रही है, कुछ इंक्रीज हो जा रही है, ठीक है, यानी एक सेल की एन सेलों की जो करंट है वो एक सेल से ज्यादा है। तो इस वजह से हमें क्या ध्यान रखना है कि जब हम सेलों को सीरीज में लगाएंगे तो उस टाइम हमारी जो कंडीशन होनी चाहिए कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए, इंटरनल से ज्यादा होना चाहिए, जैसा कि हमारी कार्स वगैरह की बैटरियों में यूज होता है, कार्स वगैरह की बैटरी हो गई, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो इंटरनल से हमेशा ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, तब हम उसको सीरीज में लगाएंगे। हमारी कार्स की बैटरी हो गई, हमारे घरों में जो इन्वर्टर की बैटरी होती है उसमें क्या होते हैं, सारे सेल्स जो होते हैं वो सीरीज में लगे होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे घरों में बहुत सारे अप्लायंसेस यूज होते हैं, बहुत सारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है और इंटरनल रेजिस्टेंस उसके कंपैरिजन में क्या होता है, बहुत कम होता है। तो इस वजह से हम वहां पे सेल्स को क्या करते हैं, सीरीज में करते हैं ताकि हमें अधिक से अधिक करंट मिल सके और सेल्स को सीरीज में लगाने का हमें फायदा मिले ताकि ज्यादा करंट हमें मिल सके, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में, देखते हैं अपना अगला टॉपिक पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में, यानी समांतर क्रम सेल का संयोजन कैसे होता है। तो इसमें मैंने क्या किया है, एन सेलों को लिया है जिसके ईएमएफ जो है वो सेम है, ठीक है, और उन सबको क्या किया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइंड किया है, ठीक है। तो उससे हमारी वैल्यू क्या होती है उसके बारे में हम जानते हैं। इन्हीं सेलों को अभी मैं आपको एक तरीका और बताऊंगा जिसमें सभी सेलों को मैं अलग अलग वैल्यू लेके सॉल्व करूंगा, यानी E1, E2, E3 इन सबके ईएमएफ लेके हम उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, अगर हम नेट ईएमएफ की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट ई जो होता है वो सेम होता है, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल ई सब में सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेट ईएमएफ कैपिटल ई। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस यानी ये सारे क्या है, आंतरिक प्रतिरोध पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो हमने क्या लिखा, 1/R' = 1/R + 1/R कितने टाइम्स है, एन टाइम्स है, ठीक है। अब इसमें हम अगर देखें तो ये सारे कितनी बार जुड़े हुए, एन बार, सेम वही चीज, या अगर 1 को हम 10 बार जोड़े तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 20 बार जोड़े तो 20 आ जाएगा, उसी तरह 1/R को अगर एन बार जोड़ेंगे हम तो कितना आ जाएगा, एन अपॉन आर आ जाएगा, तो इसी तरह से 1/R' की वैल्यू आ गई एन अपॉन आर, पलट देंगे इसको तो R' की वैल्यू आ जाएगी R/N। अब ई आर और कैपिटल आर में रिलेशन क्या होता है, तो आई इज इक्वल टू आर ई डैश अपॉन में R' प्लस आर, आर सबकी वैल्यू हमने पुट की, ई डैश की वैल्यू कैपिटल ई, R' की वैल्यू R/N और कैपिटल आर सेम है, ठीक है। अब इसमें हम जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, ये एन इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा स्मॉल आर प्लस एन आर, और जो अपॉन वाला एन आएगा वो पलट के ऊपर चला जाएगा, यानी वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, एन ई अपॉन में स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब इसमें फिर से वही दो चीजें जो मैंने आपको भी बताई थी कि जब हमारे सर्किट में क्या हो, एक्सटर्नल इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्सटर्नल से बहुत ज्यादा हो जाए, जैसे कि हमारा कोई टॉर्च वगैरह हो गए, हमारे घरों में जो टॉर्च यूज होती है उसमें बड़े बड़े सेल्स लगे होते हैं, उसमें क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्सटर्नल से बहुत ज्यादा होती है, तो उस केस में हमने यूज किया स्मॉल आर की वैल्यू क्या है, कैपिटल आर से बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कैपिटल आर क्या हो गया, नेग्लिजिबल। अब इसमें कैपिटल आर नेग्लिजिबल मतलब ये पूरा टर्म हमारा क्या हो गया, ये वाला
जीरो के बराबर। तो वैल्यू क्या मिल गई हमें, एन ई अपॉन स्मॉल आर। एक सेल की अगर हम बात करें तो एक सेल की अगर हम बात कर रहे हैं तो आई वन की वैल्यू क्या हो गई, कैपिटल ई अपॉन आर। तो अब हम इन दोनों को देख रहे हैं, इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को। तो इसमें हमें देख क्या रहा है कि जो एन सेलों को जब हमने कंबाइन किया तो करेंट क्या हो गई, एन टाइम्स, मतलब एन गुनी हो गई करेंट। ठीक है, मतलब हमें कुछ प्रॉफिट मिला। ठीक है, तो अब हमें क्या ध्यान रखना है कि जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेल्स लगाएंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेल्स हमें कब कंबाइन करना है, जब हमारे सेल्स क्या हो, जब उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्सटर्नल से ज्यादा हो, तो हमें सेल्स को किसमें कंबाइन करना है, पैरेलल में कंबाइन करना है। ठीक है, तो ये हमारी एन टाइम्स। इसी तरह से अगला वाला देख लेते हैं कि जब इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्सटर्नल से बहुत ज्यादा डिक्रीज हो तब क्या होगा। ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि अगर हम इसको इस तरह से कर दें कि जब इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्सटर्नल से बहुत ज्यादा डिक्रीज होती है तो उस समय क्या हो जाएगा, कैप स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगलिजिबल हो जाएगी। तो अब हमारे पास क्या वैल्यू क्या मिलेगी, एन ई अपॉन में एन आर। ठीक है, ये वैल्यू मिल जाएगी, तो एन से एन हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो आई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ई अपॉन आर। और एक सेल के करंट की बात करें तो यहां पे क्या मिल जाएगा हमें, कैपिटल ई अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम देखें तो इन दोनों में हमें क्या आ रहा है, कोई भी चेंज हमें नहीं मिल रहा, मतलब नो चेंज। ठीक है, तो इन दोनों में किसी तरह का कोई चेंज हमें नहीं मिल रहा है। तो मतलब हमें यह ध्यान रखना है कि जब भी सेलों को हम पैरेलल में कंबाइन करेंगे तो उस केस में हम कभी भी उनको उस समय ध्यान रखेंगे कभी भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल से ज्यादा ना हो। ठीक है, अगर ज्यादा नहीं होगा तभी हमारे हमें करंट एक्स्ट्रा मिलेगी, वरना कभी भी एन टाइम्स करंट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो देखते हैं अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में फिर से, बट अब ईएमएफ की वैल्यू जो है वो हम डिफरेंट डिफरेंट लेंगे। इससे पहले वाला जो डेरिवेशन है सीरीज कॉम्बिनेशन का, वो मैं आपको इस वाला टॉपिक समझा रहा हूं, उसके बाद आप सीरीज वाले कॉम्बिनेशन को फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और अगर कोई डाउट आते हैं आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा। ठीक है, तो देखते हैं हमारा जो हमने क्या किया, अब यहाँ पे दो सेल लिए और उनके इंटरनल रेजिस्टेंस आर वन और आर टू, ई1 ईएमएफ है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर वन है, ई2 ईएमएफ है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर टू है। ई1 से करंट निकली I1, ई2 से करंट निकली I2, और दोनों मिलकर क्या बन गई, करंट I के इक्वल हो गई। ठीक है, तो अब ये दोनों करंट जो है निकल कर आ रही है और यहाँ पे I बन जा रही है, मतलब क्या वैल्यू हो गई हमारे पास, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 के इक्वल। ठीक है, अब VAB, A से B की तरफ अगर हम ऊपर वाले वायर से होकर जाएं तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या मिल रहा है, E1 माइनस IR1। इससे पहले मैंने आपको बताया भी था रिलेशन, V इज इक्वल टू E माइनस IR, उससे ये मिला हमें, तो VAB इज इक्वल टू E1 माइनस I1R1। ठीक है, अब इससे हम I1 की वैल्यू निकाल लें क्योंकि ये सारी वैल्यू हमें यहाँ पे पुट करनी है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये वाली वैल्यू निकालेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, E1 माइनस VAB अपॉन R1। और फिर से अब नीचे वाले वायर से अगर हम लगाएं तो VAB इज इक्वल टू E2 माइनस I2R2 अपॉन में, और फिर से अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको पहले उधर लेके जाएंगे तो E2 माइनस VAB और फिर इस R2 को डिवाइड हो जाएंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी E2 माइनस का VAB अपॉन R2। अब इन सारी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, इसी में एक चीज थोड़ी सी हम ये भी कर सकते हैं कि अगर ये जो दोनों सेल्स हैं ये अगर किसी एक सेल के बराबर होते जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर होता तो हमारे पास उस आई की वैल्यू क्या हो जाती, उसके लिए हम क्या करते हैं इसको उस आई के इक्वल हम क्या कर देते हैं, आई इज इक्वल टू ई माइनस VAB अपॉन में आर, ये लिख सकते थे हम इसमें। ठीक है, यानी इसी ये दोनों सेल्स अगर किसी एक सिंगल सेल से जुड़े होते जिसका ईएमएफ कितना होता, स्मॉल आर होता, या इस पूरे की नेट वैल्यू जो थी वो इस कैपिटल ई और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर होता, तो हम क्या करते, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते आई की वैल्यू को। अब हम आई की वैल्यू को जब हम पुट करते हैं, पुट करने पर हमें क्या मिल जाता है, ई माइनस का VAB अपॉन में स्मॉल आर, ई माइनस का VAB अपॉन में स्मॉल आर, ये वैल्यू हमें बार बार मिल रही है। ठीक है, ये हमें वैल्यू मिल रही है। तो अब हम अगर इसको अलग अलग करें
इन सब इन सारी वैल्यूज को अगर हम अलग अलग करें, तो अलग अलग करने के बाद हम देखते हैं जैसे कि थोड़ा सा चेंज है स्टूडेंट इसमें कि I इज इक्वल टू जो E1 प्लस E2 मैंने बताया था, इसमें केवल हम I1 और I2 की वैल्यू को ही पुट करेंगे, ठीक है, और I को वैसे ही चलने देंगे, ठीक है। I इज इक्वल टू इसको हम अभी E माइनस जो मैंने किया था E माइनस बी ए बी अपॉन आर वो अभी नहीं करेंगे, आगे हम इसको करेंगे, तो उसको हम पहले अभी देखते हैं। तो I इज इक्वल टू E1 माइनस बी ए बी अपॉन आर वन और E2 माइनस बी ए बी अपॉन आर टू। अब इस R1 और R2 को अगर हम दोनों के साथ जब अलग करें तो वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें E1 अपॉन R1 और ये प्लस का E2 अपॉन R2, तो इन दोनों को हमने एक साथ लिख दिया। दूसरे टर्म इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस का VAB जो है दोनों से कॉमन मिल जाएगा, तो 1 अपॉन R1 और प्लस का 1 अपॉन R2, ये वैल्यू हमें एक तरह से मिल जाएगी, ठीक है। तो अब इन दोनों से अगर हम एलसीएम ले तो R1 R2 इधर भी एलसीएम होगा, R1 R2 इधर एलसीएम होगा, पूरे में हमने एलसीएम ले लिया, तो यहां पे क्या हो जाएगा इसका इधर मल्टीप्लाई यानी हो जाएगा E1 R2 और इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी E2 R1 और माइनस का VAB यहां पे R2 प्लस R1 अपॉन में R1 R2, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो अब इस R1 R2 को अगर हम देखें तो ये R1 R2 हमारे पास क्या आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो I इंटू R1 R2 और इज इक्वल टू E1 R2 प्लस का E2 R1 माइनस का VAB और आगे मिल गया हमें R2 प्लस R1। VAB को एक साइड ले आते हैं इस साइड और इस आई को हम दूसरी साइड भेज दे रहे हैं, तो VAB इज इक्वल टू VAB R2 प्लस R1 इज इक्वल टू E1 R2 प्लस का E2 R1 माइनस का इधर आ जाएगा I R1 R2। VAB की हम जब वैल्यू निकालते हैं तो VAB की वैल्यू निकालने पे हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, तो VAB की वैल्यू की अगर हम बात करें तो VAB की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास E1 R2 प्लस का E2 R1 अपॉन, अब ये वैल्यू सबके अपॉन में आ जाएगी R1 प्लस R2 और इधर माइनस का I R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, ये हमें पूरी पूरी वैल्यू मिल गई। अब हम माने कि ये जो दोनों सेल हैं इन सब की नेट वैल्यू जो हो वो E हो और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल R हो, ठीक है। तो नेट जो VAB होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा E माइनस आई आर के, ठीक है। तो ये वैल्यू हम जब यहां पे पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, हम इसको कंपेयर कराते हैं तुलना कराते हैं, तो VAB VAB तो इक्वल ही है, E किसके इक्वल हो जाएगा इसके इक्वल हो जाएगा, I I सेम है, R किसके इक्वल हो जाएगा इसके इक्वल हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा E1 R2 प्लस का E2 R1 अपॉन में R1 प्लस R2। R की बात करें तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हम क्या करते हैं इस E और R को अगर हम डिवाइड कर दें यानी E अपॉन R की वैल्यू निकालें, इस वाली वैल्यू को इससे डिवाइड कर दें, E अपॉन R की वैल्यू निकालें, तो देख रहे हैं हम अपॉन वाली वैल्यू जो है वो दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगी, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें E1 R2 प्लस का E2 R1 अपॉन में R1 R2। इस R1 R2 को दोनों के साथ अलग अलग कर लेते हैं तो E अपॉन R इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा E1 R2 अपॉन में R1 R2 प्लस का E2 R1 अपॉन में R1 R2, ये R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, ये R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा, यानी E बाई R की वैल्यू जो मिल जाएगी हमें E1 अपॉन R1 प्लस का E2 अपॉन R2, तो ये वैल्यू हमें एक फिक्स्ड वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से हम इसकी वैल्यू को नेट वैल्यू को निकालेंगे, ठीक है। अगर हमें सेल्स अलग 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 वैल्यू के सेल्स अलग अलग इंटरनल रेजिस्टेंस के सेल एक दूसरे के साथ पैरेलल भी जुड़े हैं तो उनकी नेट वैल्यू को हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, तो एक तो तरीका हमारे पास ये है, एक फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला है और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास ये भी है जो कि इंजीनियरिंग एग्जाम में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए दो सेल लगा के तीन सेल हो जाए या उसी तरह से एन सेल हो जाए तो वहां पे हम क्या करते हैं E by R is equal to फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं E1 by R1 plus E2 by R2 plus so on EN upon RN, इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक आज का जो है हमारा ये टॉपिक ये पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। आप इन सब के नोट्स अपने जो है वो जरूर से जरूर बनाइएगा और इन सब की प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा, ठीक है। अगर आपको किसी डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। Thank you class and have a nice day.